तीसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग द प्रपोजल का, जिसमें हम लोग अब तक जो कंप्लीट हो गया है उसको आगे बढ़ाते हैं और कहानी को और मजेदार रूप में ले जाते हैं, क्योंकि अब झगड़ा स्टार्ट होने वाला है किसका किसका बीच में, लोमोब और नतालिया के बीच में, और हम झगड़ा का मजा लेने वाले हैं। वैसे दूसरा का झगड़ा देखने में मजा आता है, इसमें ज्यादा मजा आएगा क्योंकि इसमें एक्टिंग भी हम लोग देखेंगे। और चलिए देखते हैं, अब हम लोगों ने यहां तक देखा कि जैसे ही लोमोव क्या करने वाला है, प्रपोज करने वाला है नतालिया को और समा बांध रहा है, और एक वर्ड बोला उसने ऑक्सन मिडोज। ऑक्सन मिडोज किसका है? आपके बर्नट मार्स से जो जुड़ा हुआ है, सॉरी बर्नट वुड से, बर्च वुड से। तो ये जो बर्च वुड से जुड़ा हुआ है, तभी नतालिया क्या कहती है, एक्सक्यूज माई इंटरप्टिंग यू, थोड़ा रुको मैं थोड़ा रोकती हूं तुम्हें, यू से तुमने कहा माई ऑक्सन मिडोज, क्या तुमने कहा तुम्हारा ऑक्सन मिडोज या माई ऑक्सन मिडोज ऐसे कहा, बट आर दे योर्स, क्या सचमुच तुम्हारा है? लोगों कहता है यस माइन, किसका है, मेरा है। नतालिया स्टेपनोवा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, क्या बात कर रहे हो तुम यहाँ पे, ऑक्सन मिडोज आर आवर्स नॉट योर्स, ऑक्सन मिडोज किसका है, हमारा है, तुम्हारा नहीं है। लोगों कहता है नो माइन, मेरा है। ऑनर नतालिया स्टेपनोवा अभी भी उसको इज्जत से ही बात कर रहा है कि हाँ वो किसका है, मेरा है, किसका, लोगों का। नतालिया बोल रही है वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर, मैं इसके पहले तो नहीं जानती थी कि ये तुम्हारा है। हाउ डू यू मेक दैट आउट, कैसे कह सकते हो कि ये तुम्हारा है। लोमो हाउ, कैसे, अगर मैं कह रहा हूं कि हाँ वो मेरा है तो किसका है, मेरा ही होगा ना। तो आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्सन मिडोज विच आर वेस्ट, अभी इसके बारे में थोड़ा एक कहानी बता रहा है। वो क्या कहानी बता रहा है, थोड़ा आप भी सुन लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा और आपका एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा वर्ड को पहले समझ लेते हैं, वेस्ट, वेस्ट का मतलब होता है बीच में घुसा हुआ, यानी कि दो के बीच में अगर आ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वेस्ट होना, यानी कि इंसर्टेड बिटवीन बिटवीन योर बर्च वुड एंड द बर्न मार्स। अब इसमें कहानी में आती है कि कहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो कंफ्यूजन वाला में चले आते हैं और समझ लेते हैं इसको कि हाँ एक्चुअली लोगों क्या कहना चाहता है, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए ये उसका, मान लीजिए कि पूरा का पूरा जमीन है, ये पूरा एक भाग है, और पूरा भाग में दो भाग में अगर हम कहेंगे, एक तरफ है आपका बर्च वुड, एक तरफ क्या है, बर्च वुड है, और एक तरफ क्या है, बर्नट मार्स है, एक तरफ है आपका बर्नट मार्स है, और इन दोनों के बीच में जैसा कि लोगों कह रहा है कि इंसर्टेड बिटवीन या वेस्ट है कौन सा, ऑक्सन मिडोज, यानी ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है ये क्या है, ऑक्सन मिडोज, तो ऑक्सन मिडोज, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जैसा कि आप जानते हो कि ये किसके बीच में है, बर्च वुड एंड बर्ट मास के बीच में है, जो कि तुम्हारा है, वो किसका है जमीन, ये वाला किसका है, मेरा है। अब ये लोमो नतालिया कहती है अरे बताओ ये वाला भी जमीन तो हमारा भी, इधर वाला भी जमीन मेरा है, इधर वाला भी जमीन मेरा है, तो बीच में तुम्हारा कहां से है जमीन, ये भी किसका है, मेरा ही है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और कहानी में झगड़े को थोड़ा सा घी डालते हैं। तो इन बिटवीन योर बर्च वुड एंड बर्च मास, ये एग्जाम में आता है कि उसका ऑक्सन मिडोज कहां पे है, बर्नट वुड, सॉरी बर्नट मार्स एंड बर्च वुड के बीच में है जमीन का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नतालिया वो कह रहा है कि बर्नट मार्स और बर्च वुड के बीच में हमारा क्या है, ऑक्सन मिडोज। तो नतालिया क्या कहती है, हाँ 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 वही 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 वही, यस यस दे आर आवर, हाँ वो कौन है, मेरा ही है। लोगों कहता है नो यू आर मिस्टेकन, तुम गलती कर रही हो। ऑनर नतालिया स्टेप नंबर, दे आर माइन, वो किसका है, हमारा है, आपका नहीं है। नतालिया बोलती है जस्ट थिंक, थोड़ा सोचो इवान वेस्लेविच, हाउ लॉन्ग दे हैव बीन योर्स, कब से हो गया वो तुम्हारा। लोमोव कहता है हाउ लॉन्ग, कब से, जितना दिन मुझे याद है तब से वो क्या है, हमारा ही है। एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेम्बर, जितना दिन मुझे याद है वो किसका है, मेरा ही है। नतालिया रियली, सच में, यू वॉन्ट गेट मी टू बिलीव दैट, तुम मुझे विश्वास नहीं दिला सकते हो कि ये किसका है, तुम्हारा है। तो चलिए झगड़ा का शुरुआत देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि झगड़ा में कहां कहां तक ये लोग पहुंचते हैं। चलिए कहानी का शुरुआत झगड़े से। I'm speaking, of course, of the oxen meadows which are nestled between your birch woods and the burnt marsh. Yes, they're ours. No, you're mistaken. I'm going to tell you something over there. Just think, Ivan Vasilievich, how long have they been?
How long? As long as I can remember. Oh, really? You won't get me to believe that. It's, as you can see from the documents underneath. अब ये आता है डॉक्यूमेंट पे, क्योंकि अब ये कहने वाला है कि हम प्रूफ कर सकते हैं कि वो किसका है, मेरा। अच्छा बताओ तो लोगों क्या करने के लिए आए वहां पे, प्रपोज करने के लिए ना, लेकिन बात में कहीं और उलझ रहा है कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप प्रपोज करने जाते हो सीधा बोल देना है, चलिए लोमो, बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। लोमो कहता है कि अगर तुम डॉक्यूमेंट उठाकर देखो, ऑनर नताला स्टेपनोविच स्टॉपनोवा ऑक्सन मीडोज इट्स ट्रू वर द वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। ये एक झगड़ा का कारण था, एक समय की बात है, ये झगड़ा था हम लोग के बीच में कि ये किसका है। बट नाउ, लेकिन अभी एवरीबडी नोज, हर कोई जानता है दैट दे आर माइन, किसका है वो, मेरा है। देर इज नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, इसमें कोई भी झगड़े करने वाली बात या द्वेष रखने की बात नहीं है। आर्ग्यू करना मतलब कि आप अपना बात बोलो मैं अपना बात बोलो, ऐसा करने के लिए बात नहीं है। यू सी माय, अब इसका कहानी बता रहा है कि ये जो ऑक्सन मीडोज है क्यों उसका है, कहानी सुन लो, बार बार कहता है ये। माय आंट्स ग्रैंड मदर गेव द फ्री यूज टू ऑफ द दिस मीडोज, मेरी आंटी की दादी ने, याद रखना किसकी दादी, मेरी आंटी की दादी ने फ्री यूज करने के लिए दिया गया था इन परपेचुटी टू द पीजेंट किसानों को, किसको, योर फादर्स ग्रैंडफादर, तुम्हारे पापा के ग्रैंडफादर को ये फ्री में यूज करने के लिए दिया था उनके किसानों को, ठीक। इन रिटर्न, इसके बदले वो लोग कुछ देते थे, क्या देते थे, फॉर विच दे हैव दे वर टू मेक ब्रिक्स। वो लोग क्या बनाते थे, वो किसान लोग ईट बनाते थे, ब्रिक्स बनाते थे फॉर हर, उनके लिए, यानी कि उसकी आंटी की दादी के लिए वो लोग ईट बनाते थे। कहानी समझ में आया, फिर से बताते हैं। वो कहता है कि मेरी जो चाची है उसकी दादी ने तुम्हारे दादाजी के किसानों को वो फ्री में यूज करने के लिए दिया था, जिसमें वो उनके लिए क्या बनाती थी, ईंट बनाते थे, क्लियर। चलिए, द पीजेंट बिलोंगिंग टू योर फादर्स ग्रैंडफादर हैड द फ्री यूज ऑफ द मीडोज, और जो किसान थे तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे पापा के दादाजी के, जो फ्री में यूज कर रहे थे मीडो को फॉर 40 years, याद रखिएगा कितने साल यूज किया, 40 साल, एंड हैड गॉट इन टू द हैबिट ऑफ, और वो सोच, मतलब आदत पड़ गया उनको ये बोलने का रिगार्डिंग देम एज देयर ओन, उनको लगता था कि वो किसका है, उनका ही है। व्हेन इट हैपेंड, जब ये हुआ था तब, कहानी समझ में आया वो क्यों कह रहा है कि उसका है। चलिए, नतालिया कहती है नो इट इज नॉट इट ऑल लाइक दैट, ये इस तरह की बात नहीं है। बोथ माई ग्रैंड फादर, अब अपने बारे में बता रहा है कि वो उसका क्यों है, मेरे ग्रैंड फादर जो थे एंड ग्रेट ग्रैंड फादर, और उनके पापा यानी ग्रेट ग्रैंड फादर, दादा के और परदादा बोल सकते हैं, रिकॉर्ड हिसाब किया था उन्होंने दैट देयर लैंड, उनका जो जमीन है एक्सटेंडेड टू बर्न मार्स, यानी कि बर्च वुड से बर्ट मार्स तक एक्सटेंड करता है, मतलब उतना दूर तक है, जो हम लोगों ने इसके पहले समझा था ना। उन्होंने क्या कहा कि हमारा जो जमीन है वो बर्च वुड से बर्न मार्स तक, यानी ये पूरा जमीन किसका है, हमारा है, यानी ये टोटल हमारा है, बीच में ऑक्सन मीडोज तुम्हारा नहीं है, वो भी किसका है, मेरा है। तो ये तो दोनों आपस में बोल रहे हैं, देखिए किसका है, मीडोज आवर्स, आई डोंट सी व्हाट दे इज आर्ग्यू अबाउट, इसमें झगड़ा करने वाली कौन सी बात है, वो किसका है, हमारा है, चुपचाप रहो, इट्स सिंपली सिली। ये तो बहुत ही अजीब, मतलब सिली वाली बात है, मतलब अब समझ जाना, बहुत कुछ का हिंदी मीनिंग नहीं होता है, मतलब सिली होता है, सिली समझ लो। लोमो आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट्स, अब ये डॉक्यूमेंट की धमकी दे रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, आपको डॉक्यूमेंट में दिखा दूंगा, कौन सा डॉक्यूमेंट, किसका है वो, मेरा है। नतालिया बोलती है, नतालिया स्टेपनोवा बोलते हैं, नतालिया बोलती है नो यू आर सिंपली जोकिंग, तुम क्या कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, और मेकिंग फन ऑफ मी, और मेरा क्या कर रहे हो, थोड़ा सा मजाक उड़ा रहे हो मुझे। व्हाट अ सरप्राइज, क्या सरप्राइज तुमने दिया है मुझे, वी हैव हैड द लैंड फॉर नियरली 300 years, ये जमीन हम लोग के पास 300 सालों से है। अब ये बताओ कि ये कितने सालों से है नतालिया के खानदान के पास, उनके हिसाब से 300 सालों तक, याद रखिएगा 300 years नियरली, ये याद रखिएगा नियरली, आपके एग्जाम में जब आएगा मोर देन एग्जैक्टली या नियरली, तो आप याद रखिएगा नियरली, एंड देन वी आर सडनली टोल्ड दैट, और हमें अचानक से कहा जाता है इट्स नॉट आवर्स, ये हमारा नहीं है। इवान वेस्लोविच क्या कह रहे हो तुम, आई कैन हार्डली बिलीव माई ओन ईयर्स, मैं अपने कानों पे विश्वास नहीं कर पा रही हूं, दीज मीडोज आर नॉट वर्थ मच टू मी, ये जो मीडोज है ना हमारे लिए उतना पैसे का नहीं है, मतलब कि उतना दाम का नहीं है, दे आर ओनली कम टू 5 decinates, ये कितना है,
पांच डेसिनेट है, याद रखिएगा एमसीक्यू के लिए काम आएगा, कितना है फाइव डेसिनेट, जो कि हमारे यहाँ पे 13.5 एकर्स में आता है, एंड आर वर्थ पर हेयर्स, उसका जो दाम अगर लगाएंगे हम तो कितना होगा, 300 रूबल्स, ये रूबल्स होता है रूसी देश का पैसे का, जैसे हमारे यहाँ रुपीज होता है वहां पे रूबल्स होता है, तो जमीन का दाम, जमीन का वैल्यू कितना है वो 300 का है, ये भी एग्जाम में आता है। बट आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस, ये जमीन हमारे लिए कुछ नहीं है, 300 रूबल्स क्या है हमारे लिए, कुछ नहीं, पर हम अपने क्या पे हैं, अनफेयरनेस पे, हमारे साथ कोई धोखा करे उसके साथ तो हम नहीं रहने वाले। से व्हाट यू विल बट आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस, मैं मतलब अनफेयरनेस वाली बात, मतलब बेकार वाली बात पे हम भरोसा नहीं करेंगे। लोमो हियर मी आउट, फिर वो कह रहा है आई इंप्लोर यू, मेरी प्रार्थना सुनो, सुनो मेरी बात को सुनो, वो सुनना ही नहीं चाहती है। द पीजेंट ऑफ योर ग्रैंड फादर्स ग्रैंडफादर, अब वो वही कहानी को दोहरा रहा है, एज आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर ऑफ एक्सप्लेनिंग टू यू, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा है, यूज्ड टू मेक ब्रिक्स, ईंट बनाते थे फॉर माई आंट्स ग्रैंड मदर, मेरी आंटी के दादी के लिए। नाउ माई आंट्स ग्रैंड मदर विशिंग टू मेक देम अ पीज देम अ प्लेजेंट, बोलने ही जा रहा था, बीच में रोका नतालिया, क्या बोलती है, आई कैंट मेक हेड और टेल ऑफ ऑल दिस, ये हेड टेल वाली बात मुझे मत बोलो कि वो किसका था, मेरा था, तुम्हारा था, किसका था, मेरा था, एंड ऑल अबाउट आंट्स एंड ग्रैंड मदर, ये आंटी और दादी वाली बात को छोड़ो, एंड ग्रैंड मदर्स, द मीडोज आर आवर्स एंड दैट्स ऑल, मीडो किसका है, हमारा है, कहानी खत्म, कुछ नहीं बोलोगे, मेरे बोलने से कुछ मजा नहीं आएगा, आप देखोगे तो ज्यादा मजा आएगा। लोगो कहता है माइन, किसका है, मेरा है। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए वहां तक देख लेते हैं, उसके बाद हम यहां से स्टार्ट करेंगे, चौथा पेज नंबर होगा हमारा। It's true. Oxford Meadows were once the subject of dispute, but now everyone knows that they're mine. There's nothing to argue about. You see, my aunt's grandmother gave the land in perpetuity to the peasants of your father's grandfathers, in return for which they were to make her bricks. Now the peasants, having used the land for over 40 years, he got as accustomed to it as it was there. It isn't at all like that. Both my grandfather and my great-grandfather reckoned that their land extended to Burke Marsh, which means that Oxen Meadows are ours. I don't see what there is to argue about. It's simply silly. Show you the documents under the title, so no. Now you're simply joking or making fun of me. What a surprise. Oh, we've had the land in our family for nearly 300 years, and then all of a sudden we're told it isn't ours. Oh, I live in the ceiling of the check and hardly believe my eyes. These meadows aren't worth much to me. They come to 13.5 acres and are perhaps 300 rubles, but I can't stand unfairness. Say what you will, but I can't stand unfairness. Hear me out, I implore you. The peasants of your father's grandfather, as I've already had the honor of explaining to you, used to make bricks for my aunt's grandmother. Now my aunt's grandmother wishing to make them a pleasant. I can't make head or tail of all this about aunts and grandfathers and grandmothers. The meadows are ours, and that is all. Mine! Ours! You can go on proving it for 2 days on end! Oh, you can. ज्यादा मजा आ रहा है ना इसको देखने, देख के, अब देखिए लाइन टू लाइन समझिएगा ना तो बड़ा मजा आएगा, क्योंकि वही लाइन कह रहा है जो कि मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, अब देखोगे तो ज्यादा, मतलब इसके बाद वो जो देखते हो ना तब ज्यादा अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते हैं, वैसे 13 मिनट्स हो चुके हैं, थोड़ा और एक पैराग्राफ हो जाए इसमें, आगे बढ़ते हैं। चलिए, नतालिया लोबोव कहता है, नतालिया बोथ फी फाइट ऑन प्रिंसिपल, अब ये सिद्धांतों पे लड़ेंगे, मेरे लिए कुछ नहीं है, पर हम सिद्धांत को नहीं छोड़ेंगे, हम सही है तो सही ही रहेंगे। चलिए, नतालिया बोलती है, आवर्स, यू कैन गो ऑन प्रूविंग इट टू फॉर 2 डेज ऑन एंड, 2 दिनों तक तुम अपने आप को बोलते रहो कि हाँ ये तुम्हारा है, तुम्हारा है, तुम्हारा है। और वो क्या पहन के आया है, बड़ा सज धज के आया ना, तो नतालिया बोल रही है, ऐसा कितना भी जैकेट पहन के आओ ना और बोलो कि वो किसका है, मेरा है, मैं मानने वाली नहीं हूं। ओहो, इसीलिए तुम वो जैकेट पहन के आया हो ना, ताकि मुझे विश्वास दिला सको कि वो ऑक्सन मीडोज किसका है, तुम लोग का है। And go on and put on 15 dress jacket. याद रखिए, कितना dress jacket? 15 dress jacket पहन लो, फिर भी मैं नहीं मानूंगी। But I tell you, they are ours, ours and ours. एक ही चीज को बार बार बोलना, मतलब देखेंगे ना वहां पे, उस पर चढ़ जाती है वो। I don't want anything of yours and don't want to give up anything of mine. मैं अपना तुमको कुछ देने वाली नहीं हूं और तुम्हारा कुछ मैं लेने वाली भी नहीं हूं। So there. Lomo, Natalia ने इवानोवा, आई डोंट वॉन्ट द मीडोज, मुझे मीडोज नहीं चाहिए, बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल, मुझे
मैं सिद्धांत की बात करता हूं कि वो किसका है, मेरा है। आई इफ यू लाइक, अगर तुमको ये पसंद है ना, आई विल मेक यू प्रेजेंट ऑफ देम। मैं तुमको क्या करता हूं, आप तुमको प्रेजेंट कर देता हूं, मतलब उपहार में देता हूं, जाओ। अब नतालिया बोलेगी, जो मेरा है उसी को तुम मुझे उपहार में देने वाले हो, कैसा घटिया आदमी है। देखो, आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ, मैं भी तुमको क्या दूंगी, अपना जो है वो तुमको प्रेजेंट में दे दूंगी, बिकॉज दे आर माइंड, क्योंकि वो किसका है, मेरा है। योर नेबर, योर बिहेवियर एवंस, तुम्हारा जो बिहेवियर एवंस बहुत खराब लग रहा है आज। स्ट्रेंज टू से टू अ लिस्ट अप टू दिस, वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज अ गुड नेबर। झगड़ा देखे हो ना कभी, कभी कभी बोलता है ना, आज तक मैंने तुमको क्या समझा था, मैंने तुम्हें अपना भाई समझा था, मैंने तुम्हारा मतलब, जब दो घरों में लड़ाई होता ना, पता है तुमको, जब तुमको जरूरत थी ना, तो मैं अपने घर से अपना सिलेंडर तुम्हारे वहां पे दे के रखा था, और उसकी वजह से हम लोग के घर पे सिलेंडर की प्रॉब्लम हो गई थी, और तुम आज ऐसे ऐसे बात कर रहे हो। मतलब अपना को सामान देकर रखता ना, तो झगड़ा में बोल ही देता है, तो ये क्या देकर रखी है। देखो, थॉट ऑफ एज गुड नेबर अ फ्रेंड, लास्ट ईयर की बात है, वी लेंट यू, हमने तुम्हें दिया था, क्या दिया था, थ्रेशिंग मशीन, याद रखेगा कौन, क्या दिया गया था, थ्रेशिंग मशीन। थ्रेशिंग मशीन क्या होता है जानते हो ना, जो घास काटा जाता है। ऑन दैट अकाउंट वी हैड टू पुट ऑफ आवर थ्रेशिंग टिल नवंबर, और इसकी वजह से हमने क्या किया था, नवंबर तक अपना घास की कटाई नहीं की थी। बट यू बिहेव टू अस एज इफ यू वर जिप्सीज, और तुम तो हमसे ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि हम लोग बंजर है, कंजारा है, इस तरह से बात कर रहे हो। गिविंग मी माई ओन लैंड, मेरा ही जमीन मुझे दे रहे हो, इनडीड नो रियली दैट्स नॉट एट ऑल अ नेबरली, ये पड़ोसी वाली बात नहीं है। इन माई ओपिनियन, अगर मेरी बात सुनो, इट्स इवन इम्पुडेंट, ये बेशर्मी वाली बात है। इफ यू वॉन्ट टू नो, अगर तुम जानना चाहते हो तो, लोमो कहता है, देन यू मेक आउट दैट आई एम अ लैंड ग्रैबर, क्या तुमको तो तुम कहना चाहते हो कि मैं जमीन हड़पने वाला हूं। मैडम, नेवर इन माई लाइफ, जीवन में मैंने कभी ऐसा नहीं किया है। लाइफ हैव आई ग्रैब्ड एनीबडी एल्स लैंड, मैंने किसी और का जमीन हड़पा हो, एंड आई स्टैंड नॉट अलाउ एनीबडी टू अक्यूज मी ऑफ हैविंग डन सो, और मैं किसी को ये अलाउ नहीं करूंगा कि वो मुझ पर ये इल्जाम लगाए। क्विकली स्टेप टू द कराफे, अच्छा कराफे क्या होता है, कराफे होता है पानी पीने का एक बर्तन होता है, याद रखिएगा कि किस समय वो पानी पिया है, ये इस समय जाता है दौड़ के, क्विकली स्टेप्स, जल्दी जल्दी जाता है क्योंकि उसको दिल का धड़कन क्या हो रहा है, तेज होने वाला है। एंड ड्रिंक्स मोर वाटर, थोड़ा देर और पानी पीता है, ऑक्सीमीटर इज आवर माइंड, ऑक्सीमीटर किसका है, मेरा है, वहां जाकर भी बोलता है, कैसे बोलता है देखेंगे तो मजा आएगा। नतालिया बोलती है, इट्स नॉट ट्रू, दे आर आवर्स, ये झूठ है, ये किसका है, हमारा है। लोमो कहता है, माइंड, चलिए वहां आते हैं, और हम लोग यहीं पे अपना थर्ड क्लास। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा और यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट किया, और चौथे वीडियो में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। यहाँ भी 20 मिनट हो चुका है, लगभग हो चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं और ये वाला वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पार्ट नंबर 4 में। थैंक यू।